नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बार मैंने आपको एक खुलासा करके दिया था। महाराष्ट्र के कोंकण में एक गांव है जो आईएसआईएस की राजधानी बन गई थी। उस गांव का नाम बदलकर, वैसे तो उसका नाम पडगा था, लेकिन नाम बदलकर अल शाम कर दिया गया था। आज एक उससे भी बड़ा खुलासा है। खुलासा किया है आईबी ने और रिपोर्ट सौंपी है भारत के गृह मंत्रालय को। वो रिपोर्ट क्या है और क्यों ये हैरत अंगेज खुलासा है, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आईबी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट है केरल के बारे में। आईबी की रिपोर्ट कहती है कि केरल के वायनाड में कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि आईएसआईएस का एक हाइडआउट प्लेस बन चुका है। वो कैसे बन गया है, देखिए। मलेशिया से पैसा आया, उन्होंने जमीन लीज पर लिया, उसके अंदर सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बनाया, बड़ा सा गेट खड़ा कर दिया। उस गेट के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है और नॉन मुस्लिम्स को तो बिल्कुल नहीं। आईपी की रिपोर्ट कहती है कि उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सैकड़ों एकड़ की जमीन लीज पर ली गई है और जो चारों तरफ चार दीवारी से घिरी हुई है, मदरसे हैं, संदिग्ध लोग आ जा रहे हैं, मलेशिया से पैसा आ जा रहा है, आईएसआईएस के संदिग्ध उसमें घूम रहे हैं उसके अंदर, लेकिन किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और ये केरल में एक जगह पे नहीं है, 3 से 4 जगह सिर्फ वायनाड लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने ये बनाया है इस तरह का हाइडआउट प्लेस। कुछ लोग इसे बोल सकते हैं कि ये आईएसआईएस का गांव है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें से कुछ आईएसआईएस की राजधानी है भारत के अंदर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मलेशिया से पैसा पहले श्रीलंका आया और श्रीलंका से पैसा केरल में लगाया गया। सच्चाई क्या है? लेकिन आईबी की जो रिपोर्ट है गृह मंत्रालय को जो भेजी गई है वो बेहद चौंकाने वाली है। अब इससे भी बड़ा और कुछ और खुलासा। आपको याद होगा कि झारखंड का एक लड़का पकड़ा गया था, शाहनवाज आलम, जिसका केरल मॉड्यूल ऑफ आईएसआईएस से संबंध था। और उसके अलावा केरल के ही पलक्कड़ जिले में, कैसरगोड जिले में और कुन्नूर जिले में आईएसआईएस के कुछ आतंकी पकड़े गए थे। इन सारे आतंकियों के लिंक्स एक हाशमी है, असगर हाशमी, श्रीलंका का, और श्रीलंका में ईस्टर पर जो धमाके हुए थे उसमें उसका नाम आया था, उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये भी आईबी की रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट कहती है कि ये सारे लोग उसी असगर हाशमी का स्पीच सुनते थे, उससे इंस्पायर होते थे और किसी तरह उन्होंने नेटवर्क बना लिया था। तो नेटवर्क जो है, जो केरला मॉड्यूल ऑफ आईएसआईएस है, वो डायरेक्ट अरब से न जुड़ के वो मलेशिया, श्रीलंका और केरल से जुड़ा हुआ है, ऐसी रिपोर्ट सौंपी है आईबी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को। आप सोच सकते हैं कि इसी केरला में ज्यादा दिन नहीं हुए, 22 बच्चे जो केरल के थे वो अफगानिस्तान में आईएसआईएस की ओर से लड़ने के लिए गए थे और उन 22 बच्चों में बहुत लोगों की पहचान हुई लेकिन बहुत की नहीं हुई, और कुछ लोग अभी भी यह आशंका है कि वहां काम कर रहे हैं। जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि केरल में आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स कई जगह मौजूद हैं, वो छोटे मोटे धंधे करते हैं और ऐसे 22 स्लीपर सेल्स की पहचान की गई है, इनके खिलाफ केरला में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा एनआईए ने केरला में आईएसआईएस के कई मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और अभी भी वो इस काम में लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि दक्षिण भारत में केरल वो ऐसा राज्य है जो आईएसआईएस की नई राजधानी के रूप में विकसित हो चुका है, और खास करके जिस तरह आईबी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि वायनाड लोकसभा क्षेत्र में 4 ऐसे घेटों हैं जहां पे संदिग्ध लोगों ने पहले वहां जमीन लिया लीज पे, चारों तरफ चार दीवारी कराया, इस्लामिक तरीके से वो एक कॉलोनी बसाई, कॉलोनी में बड़ी सी गेट लगाई, उस गेट के अंदर बाहर के किसी भी आदमी को जाने की परमिशन नहीं है, नॉन मुस्लिम्स को बिल्कुल परमिशन नहीं है। क्या इस देश में ऐसा हो रहा है? कम से कम आईबी की रिपोर्ट तो ये कहती है। और एक नहीं, ऐसे ऐसे 4 घेटोज का निर्माण किया गया है, ये सैकड़ों एकड़ में फैले हुए हैं। मतलब कि एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जहां नॉन मुस्लिम्स नहीं जा सकते, एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने बनाई है जहां
संदिग्ध मुसलमान भी नहीं जा सकते जो उन लोगों के नजर में काफिरों से मिले हुए हैं या कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जहां अंदर ही अंदर मदरसा चलता है, मस्जिदें बनी हुई है, एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जहां कई संदिग्ध लोगों का आना जाना है, अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ये बहुत बड़ा खुलासा है और निकट भविष्य में आईबी की इस रिपोर्ट के आधार पर केरल में कार्रवाई करनी ही होगी। लेकिन मुसीबत है, मुसीबत यह है कि केरल की जो लेफ्टिस्ट सरकार है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके यहां आईएसआईएस का कोई मॉडल है। वो केंद्रीय एजेंसियों को जांच करने की इजाजत नहीं दे रही है, तरह तरह के रोड़े अटकाती है। केरल की सरकार को यह लगता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहां मुस्लिमों को विक्टिम बनाया जा रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। भले ही वहां से सैकड़ों लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट आ रही है, भले ही वहां से सैकड़ों लड़कियों को अरब या उसके बाद आईएसआईएस इराक ईरान जाने की खबरें आ रही है, भले ही आईएसआईएस के 22 लड़के लड़ने के लिए अफगानिस्तान चले गए, भले ही 3-4 मॉडल कैसरगोड़ में, कुन्नूर में, पलक्कड़ में एनआईए ने पकड़ा है, भले ही इस तरह घेटों की रिपोर्ट दी गई है, लेकिन जो केरल की लेफ्ट सरकार है वो मदद नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है कि दक्षिण भारत में केरल एक खतरनाक जगह बनता जा रहा है, खास करके इस्लामिक कट्टरवाद के पहलू से देखे तो? दूसरी और महत्वपूर्ण बात, केरल के इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ हिंदू या भारत नहीं है, उनके निशाने पर सबसे अधिक कोई है तो ईसाई समुदाय है। ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमले करना, वहां पादरियों पर हमले करना, इसके अलावा जो हिंदू हैं जो कि सो कॉल्ड सेकुलर उतने नहीं है, जो कि संघ या बीजेपी या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन पर हमले करना, और इस तरह मलेशिया और श्रीलंका का लिंक, आपको इस स्टोरी पर क्या लगता है कि क्या करना चाहिए अगर केंद्र सरकार को केरल की सरकार सहयोग न करे? आप इस घेटों के बारे में क्या सोचते हैं कि जो वायनाड में जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां 3-4 जगह इस तरह के कॉलोनी बस गए हैं जहां बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं मिल रही है, जो कि संदिग्ध है, कहा जा रहा है कि वो आईएसआईएस का गांव है या आईएसआईएस का शहर है, आईएसआईएस की हाउसिंग सोसाइटी है? इस पूरे स्टोरी पर आपकी क्या राय है जरूर दें। नमस्कार।